हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सिंड्रेला परी की जादुई स्विमिंग पूल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है रवीना नाम की एक लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहती थी। रवीना के पिता एक गरीब किसान थे, बहुत ही मुश्किलों से उनके घर का गुजारा चल पाता था। रवीना नेक और साधारण लड़की थी, साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आया करती थी। रवीना की कक्षा में रागिनी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। रागिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। वो कक्षा में किसी भी लड़की से बात नहीं करती थी। रागिनी रवीना से बहुत जलती थी, क्योंकि कक्षा में टीचर रवीना की तारीफ किया करती थी। एक दिन रवीना अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी, तभी उसकी सहेली गीता बोली, क्या तुम्हें पता है रागिनी के पापा बहुत अमीर हैं, उनका बहुत बड़ा बंगला है और मैंने सुना है उनके घर में एक स्विमिंग पूल भी है। काश मेरे पास भी एक स्विमिंग पूल होता तो मैं पूरा दिन स्विमिंग पूल में ही नहाती। हम तो तालाब में नहाते हैं, तालाब में नहाकर कितना मजा आता है। तुम्हें नहीं पता स्विमिंग पूल का पानी बहुत साफ होता है, उस पानी में नहाने से लोग दिखने में सुंदर हो जाते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की कोई चीज देखकर हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, और हम भी मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारे पास भी सब कुछ होगा। रवीना की बात सुन उसकी सहेलियां बुरा मान गईं और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गईं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन रागिनी स्कूल से घर लौट रही थी, तब रवीना की दोनों सहेलियां रागिनी से बात करने उसके पास गईं और बोली, रागिनी हम दोनों तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? वैसे तो मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, लेकिन तुम लोग कह रहे हो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती कर रही हूँ। ये कहकर रागिनी वहाँ से चली गई। अगले दिन कक्षा में गीता ने रागिनी से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, क्या हम स्विमिंग पूल देख सकते हैं? ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना, रवीना को भी तुम साथ ला सकती हो, मैं तुम्हें अपना स्विमिंग पूल दिखा दूंगी। ये सुनकर गीता और सोनाली खुशी से नाचने लगी। उन्होंने रवीना को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर रवीना वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन सोनाली और गीता के बार बार कहने पर रवीना भी जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह तीनों अच्छे से तैयार होकर रागिनी के घर गईं। तब रागिनी उन तीनों को देखते ही बोली, छी तुम लोग कितने गंदे कपड़े पहन कर आए हो, तुम्हें पता नहीं मुझे ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हमने तो साफ कपड़े पहने हैं, क्या हम तुम्हारा स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना, मैं तुम लोगों को मेरे स्विमिंग पूल में पैर भी नहीं रखने दूंगी, देख लिया अब यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हें हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना था तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, तेरी बेइज्जती करने के लिए ही मैंने तुझे बुलाया था। ये कहकर रागिनी उन तीनों को धक्का देकर घर से निकाल देती है। रवीना और उसकी सहेलियाँ रोते हुए घर वापस आ रही थी, तभी उसी समय सिंड्रेला परी वहाँ से गुजर रही थी। उन तीनों को रोते हुए देख सिंड्रेला परी उनके पास आई और बोली, क्या हुआ तुम तीनों ऐसे क्यों रो रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कौन है आप, हम गरीब हैं इसीलिए आप भी हमारा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं बेटी, मैं एक परी हूँ, मैं बहुत दिनों बाद इस गांव में घूमने आई हूँ, मैं जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती हूँ। मैंने तुम तीनों को बहुत दुखी देखा, बताओ मुझे तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सिंड्रेला परी की बात सुनकर रवीना ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सिंड्रेला परी ने कहा, बेटा कभी भी अपने हालातों की वजह से खुद को छोटा मत समझना, तुम दुखी मत हो, मुझे अपने घर ले चलो,
मैं तुम्हें स्विमिंग पूल अभी बना कर दूंगी। रवीना सिंड्रेला परी को लेकर अपने घर गई। घर पहुंचकर सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रवीना के घर के पीछे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। ये देख रवीना और उसकी दोनों सहेलियां खुशी से झूम उठी और स्विमिंग पूल का पानी सुनहरा था। तब रवीना ने हैरानी से पूछा, इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग सुनहरा क्यों है? क्योंकि ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं है, ये जादुई स्विमिंग पूल है। तुम बस दिन में एक बार इस जादुई स्विमिंग पूल में डुबकी लगा सकती हो। अगर किसी ने लालच में आकर दिन में एक से ज्यादा बार स्विमिंग पूल में नहा लिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। रवीना और उसकी दोनों सहेलियाँ उस जादुई स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जैसे ही वो तीनों नहाकर बाहर आई, वो तीनों बहुत ही सुंदर दिखने लगी और उनके कपड़े भी सुनहरे बन गए। धीरे धीरे पूरे गांव में स्विमिंग पूल के बारे में चर्चा होने लगी। रागिनी को जब ये बात पता चली तो रवीना से वो बहुत ज्यादा जलने लगी। फिर एक दिन मौका पाकर रागिनी रवीना के घर गई। उस दिन रवीना घर पर नहीं थी। रागिनी जल्दी से रवीना के घर के पीछे बने जादुई स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची। यही सही मौका है, मैं जल्दी से इस स्विमिंग पूल में नहा लेती हूँ, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी उस स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जादुई स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से वो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। ये देख रागिनी के मन में लालच आ गया, क्यों ना मैं एक और बार इस जादुई स्विमिंग पूल में नहा लूं, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी और इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी दोबारा से जादुई स्विमिंग पूल में नहाने गई। जैसे ही वो जादुई स्विमिंग पूल के अंदर गई, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और उसका रंग काला हो गया। रागिनी अपनी हालत देखकर रोते हुए अपना मुंह छुपाकर घर वापस चली गई और अपने घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन उस जादुई स्विमिंग पूल की मदद से रवीना और उसकी सहेलियां खुशी खुशी रहने लगी। जानवी अपनी माँ माधुरी और अपने छोटे भाई राहुल के साथ रहती थी। माधुरी कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा करती थी। उन्हीं के पड़ोस में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि के पिता एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंजलि बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। जानवी और अंजलि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अंजलि अपनी कार से रोज कॉलेज जाया करती थी और जानवी अपनी साइकिल से कॉलेज जाती थी। अंजलि जानवी को बात बात पर चिढ़ाती रहती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। जानवी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि आवारा लड़के लड़कियों के साथ बस घूमती ही रहती थी। एक दिन उनके कॉलेज में वरुण नाम के एक लड़के ने एडमिशन लिया। वरुण दिखने में बहुत स्मार्ट था और उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हर एक लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी। वरुण भी बहुत संस्कारी और नेक दिल का लड़का था। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार था। एक दिन वरुण जानवी से मिलता है। हाय जानवी, तुम पढ़ने में तो बहुत होशियार हो, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ हाँ जरूर, बताइए क्या मदद चाहिए आपको? धीरे धीरे जानवी और वरुण में दोस्ती हो जाती है। अंजलि भी वरुण से दोस्ती करना चाहती थी। एक दिन अंजलि वरुण के पास जाती है। हाय वरुण, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वरुण वहाँ से चला जाता है। तेरी ऐसी की तैसी कमीने, तूने मुझे ना कहा, अब देखती हूँ तू कब तक मुझसे दोस्ती नहीं करता। अरे मेरे जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की तुझे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। देखना, अपने आप मेरे पीछे भागा भागा आएगा ये। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। अंजलि वरुण से बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वरुण अंजलि से बिल्कुल भी बात नहीं करता था।
एक दिन अंजलि जानवी और वरुण को साथ में देख लेती है। तभी अरे इस पगलेट को ये भिखारा नहीं मिली थी क्या? मैं कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यही लड़का है जो मुझे भाव नहीं देता। और इस भिखारन से देखो किस तरह से बात कर रहा है। धीरे धीरे जानवी और वरुण एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। अब उनका कॉलेज भी खत्म हो चुका था। जानवी, अब तो हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया है। अब समय आ गया है हमें अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन वरुण, तुम तो बहुत अमीर हो और हम बहुत गरीब हैं। यदि आपके घर वाले नहीं माने तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। उन्हें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस मेरी खुशी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है वो मान जाएंगे। तुम खुशी खुशी अपने घर में जाओ और उनसे बात करो। उसके बाद दोनों अपने अपने घर में बात करते हैं। दोनों के घर वाले मान जाते हैं। इस तरह उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद वरुण और जानवी की शादी भी तय हो जाती है। जब ये बात अंजलि को पता चलती है तो अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या इस भिखारन की शादी वरुण से? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर इनकी शादी नहीं होने दूंगी। वरुण से सिर्फ मेरी शादी होगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये वरुण से शादी कैसे करेगी। जानवी की माँ जानवी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा खरीद कर लाती है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। अरे अंजलि, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ये देखो मेरी शादी का लहंगा। हाँ बहुत अच्छा है, मुझे कुछ काम है जानवी, मैं कल आती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं ऐसा, कैसे रोकूँ इसकी शादी? कॉलेज भिखारन की शादी है मेरे वरुण से, कैसे रोकूँ इसे? रात को चुपके से अंजलि जानवी के घर में जाती है और उसके शादी के लहंगे में आग लगा देती है। अब देखती हूँ इस भिखारन की शादी कैसे होती है। अगले दिन जानवी अपना लहंगा देखती है। उसका लहंगा जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। माँ जल्दी आइए, माँ ये देखिए, माँ ये सब क्या हो गया, मेरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका है। माँ अब मैं शादी में क्या पहनूंगी? बेटा मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है, जो भी पैसे थे वो इस लहंगे में मैंने खर्च कर दिए, और इतनी जल्दी नया लहंगा भी नहीं बन सकता बेटी। अब हम क्या करेंगे माँ, अब मैं क्या पहनूंगी अपनी शादी में? थोड़ी देर बाद अंजलि वहाँ पर आती है। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे जानवी, बारात आने वाली है। जानवी अंजलि को वो सारी बातें बताती है। ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अब अगर बाहर तुम इस हालत में जाओगी तो वरुण की बहुत बेइज्जती होगी। क्या तुम यही चाहती हो जानवी? इससे तो अच्छा होगा कि तुम इस शादी से मना कर दो। माँ मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मैं घर से भाग जाती हूँ। बारात आएगी तो आप बोल दीजिएगा मुझे वरुण से शादी नहीं करनी थी। रोते हुए जानवी घर छोड़कर चली जाती है और भागते भागते वो एक झरने के पास पहुँच जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। तभी उस झरने से एक आवाज़ आती है। बेटा तुम रो मत, मुझे बताओ बेटी तुम्हारी क्या समस्या है? जानवी झरने को वो सारी बातें बताती है। झरना अपनी शक्तियों से एक जादुई लहंगा प्रकट करता है। ये लो बेटी, ये एक जादुई लहंगा है, ये लहंगा तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करेगा। जल्दी से जानवी वो लहंगा पहन लेती है। उसके बाद जानवी बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। हे जादुई लहंगे के झरने, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बेटी जल्दी जाओ, तुम्हारी बारात आ चुकी है, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हे जादुई लहंगे, मुझे जल्दी से मेरे घर पर पहुंचा दीजिए। जादुई लहंगे की मदद से जानवी अपने घर पहुंच जाती है। तब तक बारात भी आ चुकी थी। वरुण क्या तुम्हें पता है
जानवी शादी छोड़कर भाग चुकी है। वो तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। यदि तुम्हें यकीन नहीं तो तुम जानवी की माँ से पूछ लो। माँ जी, क्या अंजलि सच बोल रही है? लेकिन जानवी की माँ कुछ भी नहीं बोलती। देखो, अगर बारात खाली हाथ जाएगी तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। हाँ बेटा, ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। अब हमारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम इस लड़की से शादी कर लो। वैसे भी ये लड़की हमारे ही स्टेटस की है। हमने तुम्हारी बात पिछली बार मान ली थी। अब तुम हमारी बात का मान रखो, हमारी इज्जत बचाओ बेटिया। ठीक है पिताजी, अंजलि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वरुण के मुंह से ये बात सुनकर अंजलि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जानवी पहुँच जाती है। रुकिए वरुण, मैं यहाँ पर हूँ, शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जानवी का इतना सुंदर लहंगा देखकर अंजलि पूरी तरह हैरान रह जाती है। लेकिन तू तो शादी छोड़कर भाग गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही है? नहीं नहीं, मैं भागी नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। अरे ये झूठ बोल रही है, और सच सच बता, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? कल रात को मैंने तेरा लहंगा जलाकर राख कर दिया था। मैं तेरी शादी वरुण से नहीं होने दे सकती। वरुण की शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे होगी उसकी शादी। अंजलि की ये बात सुनकर जानवी को गुस्सा आ जाता है और वो अंजलि को एक थप्पड़ लगाती है। मैंने तुझे अपनी सच्ची दोस्त माना और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तभी अंजलि गुस्से में पिस्तौल निकाल लेती है। धिकारन कहीं की, तूने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी जादुई लहंगा अंजलि को गोल गोल घुमाकर जमीन पर गिरा देता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। तुम मेरे होते हुए जानवी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, धोखेबाज लड़की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। जानवी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, प्लीज मुझे माफ कर दो जानवी। हे जादुई लहंगे, मेरी दोस्त को माफ कर दो। उसके बाद जादुई लहंगा उसकी सारी रस्सियाँ खोल देता है। उसके बाद जानवी और वरुण की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। जादुई लहंगे की मदद से जानवी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लेती है और उसमें गरीबों का फ्री में इलाज करती है। जानवी गरीबों की बहुत मदद करती थी और अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।